व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी, आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खासतौर पर टॉपिक जो है इंडिया में डिस्कस होता है लेकिन पाकिस्तान में भी आजकल डिस्कस होने लग गया है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है या वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्स बताएं, हमने वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स से हमने अपने जो प्रोटीन इनटेक है वो पूरी करनी है। इंडिया में तो चलो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सिस्टम है, काफ़ी लोग जो है गोश्त वगैरह नहीं खाते, इस तरह की चीज़ नहीं खाते, एनिमल बेस्ड चीज़ें नहीं खाते, लेकिन वो सिर्फ रिलाई करते हैं प्लांट बेस्ड चीज़ों पे। लेकिन पाकिस्तान भी अभी चीज़ वीगन का और ख़ासतौर पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के काफ़ी सोर्सेज लोग पूछते हैं कि बताएं हमने वो करना है, हमने चिकन नहीं खाना, हमने बीफ नहीं खाना, हमने मटर नहीं खाना, हमें दूध नहीं लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे 5 से 6 जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं पाकिस्तान में, इजीली चीप भी है, सस्ता भी है, इजीली अवेलेबिलिटी भी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और जितने व्यूअर्स आ रहे हैं नए कहीं और से आ रहे हैं, किधर और से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, और उनको भी कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करके जाया करें, ऐसे ना जाया करें। तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर बुरी भी लगी फिर भी बताना है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और प्रोटीन से पहले हम बात करते हैं प्रोटीन लेने की। अच्छा, प्रोटीन जितना भी है वो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, कोई भी किसी चीज़ से हो या मिल्क प्रोडक्ट हो, वो हमारी बॉडी में एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, फैट लॉस के लिए, न्यू मसल बिल्ड करने के लिए, इम्यून सिस्टम की बेहतर रखने के लिए, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जितना भी हमारे मामला चल रहे हैं बॉडी बढ़ने और काफ़ी फंक्शन हमारा मसल, हमारी बोन, आई, बाल, शार, ये सब प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एज अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। कोई भी हम प्रोटीन सोर्स लेते हैं, कोई भी चीज़ें, अगर वे प्रोटीन लिया या अंडे खाए हैं या हमने लिंटल्स में से कोई प्रोटीन लिया, तो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी अमीनो एसिड में और उसको यूज़ करेगी। तो जो भी प्रोटीन हो, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो या मिल्क का बायो प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो अच्छी चीज़ है, आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, आपके गोल के लिए हेल्पफुल है। आपका आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, शर्ड करना चाह रहे हैं, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाह रहे हैं, कुछ भी करना है, प्रोटीन लाजमी है। तो इससे पहले मैं बहुत सी प्रोटीन पर आप वीडियो कर चुका हूँ, इससे पहले मैंने एक पाकिस्तान में सोर्स पर वीडियो की थी कि पाकिस्तान में सबसे अच्छे प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं, चीफ सोर्स है वो, उसका ऊपर लिंक में आपका मैं डाल दूंगा और आप एक कार्ड आ जाएगा पूरा, उसमें देख लीजिएगा। तो पहली बात ये की जाए कि एक और मसला भी हमारे मुल्क में कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क में नहीं बल्कि एशिया में काफ़ी 50 से 60% लोग जो हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंस हैं। अच्छा, लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या होता है? लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है कि जो दूध के अंदर जो मिल्क शुगर होती है उसको हम लैक्टोस बोलते हैं। कि कोई भी अगर बंदा है, फर्ज करते हैं यार हम दही या दूध या ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं जो मिल्क का बायो प्रोडक्ट कोई भी होगा, तो वो क्या होगा, उनके पेट में ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, उनका पेट खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग आ सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, तो काफ़ी पेट में दर्द हो सकता है। तो ये होता है लैक्टोस इंटॉलरेंस की वजह से कि लैक्टोस के दूध जो होता है आपकी बॉडी में आपको उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बॉडी हमारी सफिशेंट नहीं होती कि उस दूध के अंदर जो शुगर है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो हमारे मोस्टली लोग जो है ना वो लैक्टोस इंटॉलरेंस हैं, लेकिन उस चीज़ को मानते नहीं हैं। अब जो हालत भी है तरह की कि वो कहेंगे नहीं ये आया तो मैं कीम को जाऊँगा ठीक हो, पक्की खाऊँगा ठीक हो, लेकिन एक्चुअली वो लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं। तो लैक्टोस इंटॉलरेंस जो लोग होते हैं उनके लिए भी एक प्रोटीन अगर आपने लेना है वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना है, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो कि मोस्टली प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान में जो ईजिली सोर्स अवेलेबल है प्रोटीन का, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, वो कौन सा है? अच्छा, सबसे पहला प्रोटीन सोर्स जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स या पाकिस्तान में, वो है लिंटल्स, दालें, आपकी काली दाल होगी, आपकी ग्रीन दाल होगी और आपकी ऑरेंज दाल होगी, उसमें से आप प्रोटीन ले सकते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 कप आप ये दाल का लेते हैं कुक्ड का, तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम प्रोटीन और कम से कम 30 ग्राम डाइट्री फाइबर मिलेगा। यानी लिंटल्स के अंदर से आपको 18 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम डाइट्री फाइबर मिलेगा। अच्छा, डाइट्री फाइबर का क्या फ़ायदा है? आपकी बॉडी में डाइट्री फाइबर जो होता है कि आपकी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करवाने में, ठीक है, आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से काम करने के, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये मसलम सेल ना हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में एक सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ायदेमंद होती है, प्रोटीन तो आता ही आता है लेकिन साथ साथ उसके साथ डाइट्री फाइबर और न्यूट्रंट्स भी काफ़ी आ रहे होते हैं और वाइटामिन भी काफ़ी आ रहे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल हेल्पफुल होते हैं। और कंपेयर टू अगर आप देखा जाए एनिमल बेस्ड प्रोटीन पे, तो उससे बेहतर होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रोटीन पे। सेकंड प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सोर्स है रेड किडनी बीन है, जिसे हम लोबिया बोलते हैं, पाकिस्तान में रेड कलर का होता है, इंडिया में राजमा बोलते हैं। अगर आप एक कप कुक्ड राजमा लेते हैं या लोबिया लेते हैं या रेड किडनी बीन लेते हैं, तीनों एक ही चीज़ें, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उसके साथ एंटी ऑक्सीडेंट मिलते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाके काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके सेल्स की रिपेयरिंग के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। इम्यून सिस्टम को बेहतर इसलिए करते हैं कि वो काफ़ी जो है वो सेल्स के जो बैड सेल्स होते हैं, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ते हैं और उनको किल करते हैं और गुड सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी बॉडी के साथ आपके कुव्वत मुदाखलत में फ़ाइट कर सकें आपकी बॉडी के लिए। दूसरा सोर्स राजमा, रेड किडनी बीन, लोबिया अच्छी चीज़ है, आप अपनी डाइट में यूज़ करें। उसके साथ आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी मिलेंगे, और आप एक कप अगर कार्ब ले रहे हैं, प्रोटीन आएगा उसमें 16 ग्राम, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 36-37 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट भी आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड सोर्स है हमारा वो है चिक पीस का, वाइट चिक पीस हो गए, ब्लैक चिक पीस हो गए, जिसे हम चने बोलते हैं, काले चने और सफ़ेद चने, ठीक है। घोड़ों को भी खिलाते हैं हम लोग काले चने, वो ब्राउन चने होते, वो भुने हुए चने होते हैं जो कि काले चने से बनते हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि अगर आप एक कुक्ड लेते हैं एक कप, इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 14-16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं इसके डबल, यानी 36-37-38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं इसके अंदर, और इसमें विटामिन ई, आयरन और विटामिन और मिनरल काफ़ी मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए वैसे भी हेल्पफुल हैं, और आप इनसे एक्सट्रैक्ट करके बड़ी बॉडी ले लेती है। तीसरा सोर्स हमारा जो अभी बता चुका हूँ वो चिक पीस का, यानी वाइट या ब्लैक चने जो होते हैं, 14-16 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली इसमें प्रोटीन आएगा, विटामिन भी आएंगे, मिनरल्स भी आएंगे, और ये अच्छी चीज़ है, ये ऐड करें, आप सैलड बना सकते हैं, आप चनों में चावलों में डाल सकते हैं, सैलड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस खाएं सही। अच्छा, इसके बाद जो मेरा फोर्थ सोर्स है पाकिस्तान में प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, वो है ग्रीन पीस, यानी मटर जिसको हम बोलते हैं। तो मटर में अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन आती है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत ही खास अमीनो एसिड मिलता है इस प्रोटीन के अंदर जो हम मटर से हासिल करते हैं, वो है लूसीन। लूसीन वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी हमारी बॉडी में जाके दूसरे अमीनो एसिड के मिल के साथ मिल के उसका रिएक्ट करके और अमीनो एसिड बिल्ड करने में भी हेल्पफुल होता है। तो चौथा जो हमारा सोर्स है वो मटर का है। मटर इजीली अवेलेबल है, कई बार बहुत महंगे हो जाते हैं, कई बार सस्ते हो जाते हैं, अगर आप वो एक कप लेते हैं कुक्ड का तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। इसके बाद जो पांचवा सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, इसमें आता है ग्रीन बीन्स। ग्रीन बीन्स हम फलियां जिनको बोलते हैं, सब्ज़ फलियां, इसका सालन भी बनता है, लोग आजकल स्टेक के साथ साइड्स में भी सर्व करते हैं, इसको सैलड में भी यूज़ करते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और साथ विटामिन ई और B6 का जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इससे आपको मिलते हैं। ये अच्छा प्रोटीन है, सोर्स है, लेकिन इसका इशू ये है कि ये जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना पड़ता है। एक कप जो अच्छा खासा पका हुआ होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम तक होता है, अप्रॉक्सीमेटली 150-200 ग्राम का, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कप ले रहे हैं। तो इसके बाद जो सिक्स जो मेरा सबसे आखिर में जो प्रोटीन सोर्स है वो बड़े मज़े की चीज़ है, वो मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक कंपनी का मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उससे वो बाय भी कर सकते हैं। तो सबसे जो छेवा प्रोटीन का सोर्स है प्लांट बेस्ड का, इसको आप ब्रेकफास्ट में आप स्नैक के तौर पे, किसी फ्रूट के साथ स्नैक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो है आलमंड और पीनट बटर। अच्छा, आलमंड और पीनट बटर में एक चीज़ तो ये है, आपको आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आपको विटामिन ई मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, ये काफ़ी विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन ही मिलेगा, और प्रोटीन के साथ साथ आपको गुड फैट्स ही मिलेंगे। अब 2 टेबल स्पून अगर आप लेते हैं आलमंड या पीनट बटर का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7-9 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, मैं तो वैसे चमचों से खाता हूँ। एक कंपनी है नरिश के नाम से, कसूर पे वाकया है लाहौर में, वो डिलीवर भी करते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका लिंक भी मैं ऊपर डालूँगा, आप उनसे बाय भी कर सकते हैं। लास्ट मेरा है, या तो आप बादाम और ये मूंगफलियाँ वैसे भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं आप, इनका बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, 6 प्रोटीन के सोर्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्स पाकिस्तान में। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि भाई बताएं आप इससे, तो ये आप डाइट में यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप कुछ भी खाएं, प्लांट बेस्ड लें या आप एनिमल बेस्ड लें या प्रोटीन पाउडर लें, सब अच्छे हैं, आप बस खाएं। अगर आपको लैक्टोज का इशू है तो आप काइंडली बायो प्रोडक्ट यूज़ ना करें, दूध वाला प्रोडक्ट कोई यूज़ ना करें, ना ही वे प्रोटीन वगैरह यूज़ करें, आप सिंपली प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्दन वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।